आदरणीय, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, स्थानीय निकाय के, पंचायत के, नगर पालिका के, नगर निगम के। लूट की सरकार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान लगातार रोड शो कर रहे हैं। और रोज अलग अलग बयान दे रहे हैं। पिछले 20 साल के लगभग वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया इसका बखान वो नहीं करते। वो ये नहीं बता पाते कि हमने पिछले 20 साल में, पिछले 8.5 साल से सारी नगर निगम उनकी थी। इस नगर निगम की ये उपलब्धि है, ये हमारे शिवराज सिंह चौहान कभी किसी भाषण में नहीं कहते, नई नई बातें करते हैं। मैं आदरणीय शिवराज सिंह जी की व्यक्तिगत रूप से बहुत कद्र करता हूं, इज्जत करता हूं, और मैं कई बार विधानसभा में भी इस वक्तव्य को कह चुका हूं जो आज कह रहा हूं कि एक किसान का बेटा जब मुख्यमंत्री बना, विचारधारा से हमारा विरोधी था, पर एक अंतर मन में यह एहसास था कि इस प्रदेश पे किसान का बेटा राज कर रहा है। मध्य प्रदेश में कई परिवार के साथियों को यह एहसास हर वक्त हो रहा था और उसका समर्थन भी उनको मिल रहा था। 3 बार चुन के लोकतांत्रिक तरीके से वो मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी ने अपनी बातें कही, उन्होंने अपनी बातें कही, पर जनता ने जिसको जिताया वो सिकंदर। 3 बार वो चुन के आए, लोकप्रियता से आए, हमारे विरोधी थे, हम विरोध में काम करते थे, विपक्ष की भूमिका निभाते थे। इस बार वो लूट की सरकार के, डाके की सरकार के मुखिया हैं। जब लूट की सरकार वो चलाने लगे तो उनसे आशा नहीं थी कि वो कुछ प्रदेश के हित में कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे, न्याय करेंगे, क्योंकि उनको जनता ने रिजेक्ट किया था। पर तब तो हद हो गई जब उनके बयान अलग अलग तरीके के आने लगे। पिछले 1.5 साल से जब उनकी मनोस्थिति को समझने की कोशिश करें तो कभी वो गाड़ दूंगा, काट दूंगा, मार दूंगा, भाग जाओ रे, आ जाओ रे, देख लो रे, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा होती है और ये शिवराज सिंह जी की भाषा तो हो ही नहीं सकती। मतलब कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, फिर भी चलो परफॉर्मेंस देने में लगे होंगे, अपनी पार्टी में और प्रदेश को समझाने में लगे होंगे कि मेरे से गलतियां हुई, अब मैं सुधार रहा हूं। पर कल जब उन्होंने कमलनाथ को आतंकवादी कहा, कल कमलनाथ जी को उन्होंने जब आतंकवादी कहा, तो मेरे अंतर मन में एक सवाल खड़ा हुआ कि कहीं शिवराज सिंह जी को किसी भी मानसिक चिकित्सालय में जाकर अपना इलाज तो नहीं कराना चाहिए। मेरे प्रदेश के मुखिया हैं, फिक्र है हमें इस बात की। प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री हमारा है, प्रदेश का है, लूट का हो चाहे, पर प्रदेश के मुख्य पद पे है। जिस तरह के बयान आ रहे हैं इससे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन का इलाज आवश्यक हो गया। मैं उनसे कुछ सवाल है मेरे कि आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो, आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और ध्रुव नारायण सक्सेना के साथ मंच साझा आप करते हो, आतंकवादी आप कमलनाथ जी को कहते हो, और बजरंग दल का सक्रिय कार्यकर्ता बलराम यादव पाकिस्तान से टेरर फंडिंग में जिसका हाथ था आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, कमलनाथ को आप आतंकवादी कहते हो। जयपुर में जिन हत्यारों ने, कसाईयों ने हत्या की, देखी पूरे देश ने, वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता है, आतंकवादी आप कमलनाथ को कहते हो, और कश्मीर में बीजेपी का कार्यकर्ता तालिबान हुसैन शाह बीजेपी का कार्यकर्ता निकला,
शर्म आनी चाहिए शिवराज जी आपको। आप जिस तरीके की भाषा बोलते हो ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देती है? आप पूर्व मुख्यमंत्री जिसके 45 साल तक जिसने देश की सेवा की, आपने लूट की सत्ता, खरीद की सत्ता बनाई, उनने मर्यादा रखी, कोई गलती नहीं की, लोकतंत्र को कायम रखा, और आपको अब इस तरह की भाषा बकवास। अधिकारी अगर बीजेपी का कार्यकर्ता बन के बात करेगा तो क्या उसको किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म विपक्ष नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप आतंकवादी कमलनाथ जी को कहते हो, और सुनील जोशी जो जिसका आज तक पता नहीं चला उसकी फाइल किसने बन की थी, कौन सा किसका राज था, किसकी साइन से हुई थी, और फिर चालू हुई वापस उसकी फाइल, तो फिर क्यों हुई? आतंकवाद से आपका हिस्सा क्या है, रिश्ता क्या है, बताओ? आप सीमित आतंकवादी आप ही के राज में दो दो बार जेल छोड़ के क्यों भागे? उत्तर दो शिवराज जी, आप बताओ शिवराज जी, आतंकवादी दो दो बार जेल तोड़ के आपके राज में भाग गए, और आतंकवादी कमलनाथ? इस तरह की भाषा, इस तरह का बकवास, मैं मानता हूं कि हर मध्य प्रदेश के नागरिक इसका क्रिटिसिज्म करना चाहिए। नगर निगम के चुनाव है, आप क्या दोगे मध्य प्रदेश को, क्या दिया है आपने उन नगर निगम को, उस पर बात नहीं करेंगे, देश विदेश की बात करेंगे, प्रदेश की बात नहीं करेंगे, नफरत की बात करेंगे, व्यवस्था की बात नहीं करेंगे, अलग अलग आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। शिवराज जी, इससे स्पष्ट होता है जो पंचायत के चुनाव का रुझान है, आपका असली चेहरा मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और सबक सिखा रही है। आज तीसरे चरण का है, आप पूरे आपके कुकृत्यों को कैसे छुपाना चाहते हैं? आप ऐसे छुपाना चाहते हैं कि वोट कैसे न डले, वोटर लिस्ट कैसे बदली जाए, लोगों की पर्चियां हाथ में है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 1500 कर्मचारी केंद्रीय सरकार के केंद्र के आपने चुनाव मशीनरी में लगा दिए, फिर आनंद फानंद चुनाव आयोग और कोर्ट ने रोके, और फिर इधर से उधर ट्रांसप्लांट किए कर्मचारियों को, यह अव्यवस्था बताती है कि आप हारने वाले हो। शिवराज जी, कुछ सवाल है हमारे आपसे। चुनाव में आप प्रशासन का 3P से चुनाव जीतना चाहते हैं, 3P, पैसा, प्रशासन और पुलिस। पुलिस कैसे दुरुपयोग करती है अपने पद का, अपनी वर्दी का, अपनी गरिमा का, यह इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नगर निगम के पार्षदों को थाने में बिठाया और 307 लगवाई, इंदौर हुआ, भोपाल हुआ, अन्य कई राज्यों में हुआ, कई नगर निगमों में हुआ। तो ये पुलिस के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, पैसे के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, प्रशासन के जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं, और आरोप प्रत्यारोप आतंकवाद और इस तरह के की छोटेपन के लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और से चुनाव आयोग से, ऐसा लगता है चुनाव आयोग पहली बार चुनाव करा रहा है, इससे पहले कभी मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं हुए। इस तरह की जो व्यवस्था डगमगा गई है चुनाव आयोग की, वो बताती है कि पहली बार हो रहा है चुनाव, इससे पहले देश की आजादी से आज तक कोई चुनाव ही नहीं हुआ था मध्य प्रदेश। इस बार वोटर को जागरूक क्यों नहीं किया गया, वोटर का परसेंटेज इतना कम क्यों है? चुनाव आयोग सो रहा था, सरकार सो रही थी कि सरकार के षड्यंत्र से वोटर कम डले, इसकी बू आती है। अधिकांश लोगों की पर्चियां नहीं मिली जिससे हजारों लोग वोट न डाल पाए, इधर से उधर भटकते रहे, क्यों? चुनाव आयोग और सरकार दोनों बताए। बिना सूचना मतदान केंद्र क्यों बदले गए? बिना सूचना दिए मतदाता को, प्रत्याशी को, कैंडिडेट को, पार्टियों को मतदान केंद्र क्यों बदले गए? बीएलओ के ऊपर कोई नियंत्रण क्यों नहीं है चुनाव आयोग का? लापरवाही पर क्या कार्रवाई हुई आज तक? एक भी कार्रवाई हुई तो बताओ, क्यों नहीं हुई? सवाल है। एन वक्त पर केंद्रीय कर्मचारियों को आनंद फानंद झाबुआ धार बदला गया, और झाबुआ और धार से 1500 से 2000 कर्मचारी फिर बुलाए गए। इसी चुनाव आयोग के चुनाव के दौरान अराजकता क्यों? सवाल है। मध्य प्रदेश में लाखों वोट नहीं डाल पाए, इसके लिए दोषी कौन?
क्या ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश तो नहीं? मैं मानता हूं ये सब बातें, ये सब भाव इस बात को बताते हैं कि ये चुनाव हारने वाले हैं, और जब चुनाव हारने वाला मुख्यमंत्री 3P से चुनाव जीतना चाहता है, पैसे से, प्रशासन से और पुलिस से, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। स्मार्ट कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये क्या नई प्रोसेस चालू हुई? और ग्रीन कार्ड लेके इधर से उधर दौड़ते रहो, पता चला ही नहीं कि क्यों है ग्रीन कार्ड, क्या उसका उपयोग है। मैं मानता हूं कि इन सब बातों के लिए ये सरकार दोषी है, चुनाव आयोग दोषी है, और जितनी अराजकता हो रही है ग्रामीण क्षेत्र में 80-20 के रेशियो से, 80-20 के रेशियो से बीजेपी हार रही है। नगर निगम के चुनाव का रुझान, जैसा मैंने कहा, शिवराज की भाषा बताती है कि जनता उनके खिलाफ हो रही है। आतंकवाद, पूर्व मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहना अपने आप में बताता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम आरोप लगा सकते हैं, गाली दे सकते हैं, छोटी भाषा बोल सकते हैं, अमर्यादित हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को तार तार कर सकते हैं। ये एहसास कराता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी हारने वाली है। और इस बीच में हमारे वो मेकअप मंत्री, मेकअप मंत्री जानते हो कौन है? बताओ कौन है मेकअप मंत्री? सब जानते हो, मतलब मेकअप मंत्री कौन है? ये कब सो जाते हैं और कब जाग जाते हैं पता ही नहीं। ये जैसे ही प्रदेश में कोई घटना घटी, देवास में एक आदिवासी महिला के साथ जो कुकृत्य किया पूरे विश्व ने देखा, मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ। ये मेकअप मंत्री सोते रहे, जागे नहीं, मीडिया में भी नहीं आए, सामने भी नहीं दिखे। जैसे ही खरगोन में एक आदिवासी बहन के साथ अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा हुई, ये मेकअप मंत्री सोते रहे। विदेश में कोई घटना हो जाए, देश में कोई घटना हो जाए, कलकत्ता में कौन कौन बोल रहा है, अब इनको कनाडा के गृह मंत्री हैं ये, कनाडा के घटना का रिएक्शन यहां देंगे, FIR कराएंगे, हम गिरफ्तार करेंगे। अरे करो ना, होना भी चाहिए। किसी भी धर्म की आस्थाओं के साथ कोई खिलवाड़ करता है उसके साथ जितनी जितनी जल्दी कार्रवाई हो करो, पर आपका दायित्व तो निभाओ। मध्य प्रदेश में जो घटनाएं होती है, जब मेकअप मंत्री जी आप सोते क्यों रहते हो? जब आपके हलक से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? आप बात क्यों नहीं कर पाते जनता की आंखों में आंखें डाल के? आपको यहां नहीं दिखता कि मध्य प्रदेश नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीचे से नंबर वन हो आपकी गृह व्यवस्था की व्यवस्था में, क्या कानून व्यवस्था चरमरा गई है? आपके लोग, जैसा मैंने कहा, अवैध गतिविधियों में लिप्त है, और आपका गृह क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कैसे प्रशासन और पुलिस का प्रहार कराओ, इसमें लगे रहते हो, और देश विदेश की बातों पर जाग जाते हो और प्रदेश की बातों पर सो जाते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री से, निंदा करता हूं उनके पूरे कृत्य की। जहां तक प्रश्न है भावनाओं को, खासकर वो परिवार के लोग जो धर्म की आस्था से बंधे हुए हैं, कोई ठेस पहुंचा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यही तो हम नूपुर शर्मा के मामले में कह रहे थे कि धर्म की आस्थाओं पर ठेस पहुंचे ऐसा काम नहीं होना चाहिए। यही जो काली माता का जो केस आया है, करना चाहिए कार्रवाई। किसी की भी धार्मिक आस्थाओं से खेले ना, यही तो हम बीजेपी को समझा रहे हैं, पर आपकी आंखें अलग देखती है, नफरत देखती है, ढूंढती है उसमें से कुछ न कुछ राजनीतिक पुट। कांग्रेस पार्टी गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती है कि आपका दायित्व, जब मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हो तब भी आप जागो, जैसे अभी जागे हो। साधुवाद आपको। बहुत सी बातें हैं, ये नहीं पता चलता, देवी प्रतिमा रीवा में नर बलि का पहला केस देश में इस साल सामने आया है, गृह मंत्री का एक भी बयान आया उस पर? निकली हलक से बात, क्यों क्यों नहीं निकली, जब क्यों नहीं जागे आप? ये मध्य प्रदेश का दायित्व गृह मंत्री का नहीं है तो क्या कनाडा के गृह मंत्री का है? कनाडा में एक महिला ने कोई फिल्म बनाई, उस पर आपने रिएक्शन दिया, कार्रवाई की, साधुवाद आपको। पर मध्य प्रदेश में भी कुछ हो तो बोलो ना, क्या हो गया आपको भाई? नहीं बोलेंगे। मैं मानता हूं ऐसी सारी बातों पर सरकार जिस तरह का रवैया है,
वो पूरा निंदनीय है। मध्य प्रदेश में अभी बुआई चालू हुई है, खाद ब्लैक में बिक रहा है, डीएपी यूरिया मिल ही नहीं रहा है, कई जगह ब्लैक में मिल रहा है, सारे खादों की किल्लत है, बीज की किल्लत है। इस पर मुख्यमंत्री सरकार मौन है, काम क्या होगा, बोलेगी क्या, करेगी क्या, किसी को पता नहीं। मैं मानता हूं इस पर भी ध्यान दे सरकार, बातें बहुत है, पर इतना ही अनुरोध है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने 15 महीने में मध्य प्रदेश के लिए अपने आप को समर्पित भाव से काम किया, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपनी सरकार चली गई पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रखा, एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व जिसने मध्य प्रदेश में देश में जब भी जिस पद पर रहे मध्य प्रदेश के हितों की रक्षा की, एक ऐसा 9 बार का लगातार चुना हुआ एकमात्र मध्य प्रदेश का सांसद जिसको आतंकवादी कहते हैं शिवराज जी, आपको माफी मांगनी चाहिए, खेद व्यक्त करना चाहिए, और अगर आप ऐसा न करें तो कृपया करके एक दिन किसी भी दिन आपके मानसिक चिकित्सालय जाके इलाज करा लेना चाहिए। बस ये अनुरोध है, इसी के लिए आप सबको याद किया गया।